अध्यक्ष महोदय तो उनको काफ़ी समय देते हैं। पिछली बार भी उन्होंने क्वेश्चन आवर से पहले ड्रोन की जासूसी के संदर्भ में एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया, जबकि ऐसी प्रथा नहीं थी। उन्हें करना क्या है? पहले उन्होंने बहुत बात होती, हमने तो 100 हमारे विधायकों ने 130 के तहत वित्तीय स्थिति पर प्रस्ताव लाने की बात की, क्योंकि रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी गई है, लेकिन 12 बजे ही आ जाते। अगर इतने शुभचिंतक होते जो स्थगन प्रस्ताव लेकर आते, 12 बजे द्वारा आ जाते, तो विपक्ष का दिवालियापन सामने नज़र आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों को उठा कर नहीं, बल्कि वॉकआउट करने के लिए विधानसभा में आते हैं और वॉकआउट करके चले जाते हैं। अगर वो 12 बजे भी आते, मेरा मानना है कि अध्यक्ष महोदय ने अधिक समय विपक्ष को दिया है। सत्ता पक्ष उनसे कई बार बात भी करता है कि आप बहुत समय विपक्ष को देते हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर पठानिया साहब के पास जाके बात करता हूँ कि हमारे सदस्यों को समय मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय विपक्ष को बहुत समय देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आपदा पर चर्चा कौन लाए? भारतीय जनता पार्टी वाले ने आज आपदा के अंतिम दिन जब रिप्लाई देना है तो भी नहीं है वो आ रहे। किस दिशा में भारतीय जनता पार्टी जा रही है? किसी मुद्दे पर चर्चा करना नहीं चाहते, किसी विषय के बारे में वो विचार विमर्श करना नहीं चाहते, किसी विषय को तो आप विश्वास प्रस्ताव दिया था तो अंदर आना था ना, स्थगन प्रस्ताव नियम हस्ताक्षर के अंदर आना था, वो तो व्यवस्था दे दी स्पीकर ने। बीजेपी ने 4 साल में, पूरे 5 साल में 600 करोड़ रुपया कमाया, तो आप बताइए 1 साल में 450 करोड़ कमाया। हमने बैट बढ़ाकर पैसा कमाया और भी कई रिफॉर्म्स करके हमने पैसा कमाया और 2200 करोड़ रुपये की हमने राजस्व हमने एकत्रित किया और आज उस अर्थव्यवस्था में 20% का सुधार हुआ। अब धीरे धीरे ये अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पर आई है। अब इसमें थोड़ा फिस्कल डिसिप्लिन की जरूरत है। जब इकोनॉमिक क्राइसिस से ऊपर उठते हैं तो हमें फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन के माध्यम से चलना पड़ता है। हम उसमें चले हुए और हम जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, समाज के जितने भी वर्ग है, किसान हैं, बागवान हैं, महिलाएं हैं, हम सभी के पास अपनी सरकार की विकास की रोशनी को पहुँचाना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए हमारा और 800 करोड़ रुपया हम हर महीने पेंशन का देते हैं विभाग के, कॉरपोरेशंस नहीं, बोर्ड नहीं, ये सिर्फ विभाग के, तो 2400 करोड़ और जब हम और बढ़ जाता है तो 2500 करोड़ के करीब हम सैलरीज पर और पेंशन पर खर्च करते हैं। फिर उसके बाद जो हमने लोन लिया था उसके प्रिंसिपल अमाउंट पर खर्च करते हैं, फिर उसके इंटरेस्ट पर खर्च करते हैं।